तो ये है नज़ारे हमारे रूम से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज विशाल। और हम आ गए उठी, कल मैंने ब्लॉग नहीं कर पाया, आधे रास्ते तक आई ब्लॉग एंड देन वी वर सो बिजी इन टॉकिंग तो ब्लॉग ही नहीं किया मैंने। दूसरी गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, वन पाइप एट बस्टेड, तो उसमें बहुत टाइम लग गया था, आपने देख लिया होगा पहले ब्लॉग में। तो डेट वॉज अ स्मॉल प्रॉब्लम, बट कार इज एब्सोल्युटली गुड। एंड देन ऊपर में आते आते काफ़ी लेट भी हो गया था, तो आई डिडंट व्लॉग ओनली। तो आपको मैं टूर भी दूंगा अभी, तो हमारे रूम इज इन जस्ट अ मेस, तो एक बार थोड़ा साफ सफाई हो जाए, आई विल गिव यू अ रूम टूर ऑल्सो। वी आर स्टेइंग एट फॉर्चून सलाइवन कोर्ट करके एक है ऊटी में, तो वी आर स्टेइंग ओवर देयर। एंड अब देखेंगे आज क्या प्रोग्राम है, अभी देखते हैं, आपको बताऊंगा। तो चलिए अब निकलते हैं, पहले पेट पूजा करते हैं, फिर दूसरा काम करेंगे। कार आफ्टर यस्टरडेज इंसिडेंट्स, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी श्योर ऑयल है कि नहीं है। एंड दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। स्टार्टेड द कार एंड ऑल्सो सॉ ऑयल, सब चेक कर लिया, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन एंड अब कोई टेंशन नहीं है। कल भी एक्चुअली टेंशन तो कल जब कर लिया, उसके बाद में जब ऊपर लेकर गया तब भी कोई टेंशन नहीं था। So guys, just started, we went on to get the tickets for the toy train but we didn't get, तो अब हम निकल रहे हैं ऐसे साइट सीइंग करने के लिए ऊटी के लिए, दो गाड़ी भर करके जा रहे हैं एंड जस्ट लीविंग द होटल नाउ। आज एक मेंबर का थोड़ा पंचर है, नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, वो पीछे दिख रहे हैं, मुंह भी नहीं दिखा रहे हैं। मुंह तो अच्छी तरह से दिखा सकते हैं, बाकी चीजें शायद। चलते हैं घूमने के लिए, आज हम अभी जाएंगे डोडा बेट्टा, उसके बाद में आगे दूसरा कहाँ कहाँ जाते हैं आपको दिखाते हैं। तो गाड़ी अब आगे जो देख रही है वो भी हमारी है, उसमें 6-7 जन बैठे हुए हैं और हम यहाँ 3 जन दूसरे हैं। सीरियसली क्राउडेड बॉस, क्या करेंगे मालूम नहीं। प्लेस सीरियसली क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर।
और हम सब चल रहे हैं कोटा बेटा पॉइंट देखने के लिए। क्लियर अभी ऐसा लग रहा है लेकिन आप देख सकते हो बादल आ रहे हैं बट वी आर लकी टू हैव इट। क्लियर रील्स बनाए एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। बहुत ज़्यादा था लेकिन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम आराम से वहाँ बैठ गए थे थोड़ा देर एंजॉइंग द नेचर एंड गो देयर। बट यस रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है और ये हमारे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं काफी सारे देख सकते हैं। ये टोटा बेटा घूम लिया एंड नाउ एवरीबॉडी इज हंग्री सो लंच करने के लिए वी आर गोइंग टू सम प्लेस। हाँ देखते हैं सम न्यू प्लेस आई डोंट नो। हमारे जो इनोवा के ड्राइवर ही टोल्ड दैट गुड वेजिटेरियन रेस्टोरेंट तो वी आर गोइंग टू गो देयर और वहाँ पर भोजन करेंगे, भोजन करके फिर देखते क्या करना। तो आ गए हम खाना खाने के लिए, जस्ट गाड़ी पार्क किया पैराडाइज करके एक रेस्टोरेंट है वहीं पर जाएंगे खाएंगे। जस्ट स्टॉप पर कार चलते आराम से खाना खाते। खाना हमारा पूरा हो गया के खाना खाया है, अब आ रही नींद से इतना खाया है कि पूछिए मत। बॉडीज और यहाँ से लेंगे अब हम चॉकलेट्स अंदर जा कर के। चॉकलेट्स एंड फज आर वेरी गुड भैया। सो गाइस चॉकलेट्स भी पूरा खरीद लिया, खा भी लिया, सब कर लिया, अब चलते हैं। पेट एकदम टाइट हो गया, मतलब पेट बाहर आ रहा है अभी, इतना खाली है। खाने का तो अब कुछ टेस्टिंग भी काफी खाली है या बहुत सारा टेस्टिंग में बहुत चॉकलेट हो गया। तो अब चलते हैं हम बोटिंग करने। टाइम होगा 3, वी गो फॉर बोटिंग। हेलो बोटिंग करके देन वी विल लीव फॉर, देखेंगे उसके बाद में थक गए तो लगभग हम वहाँ से होटल ही जाएंगे।
एंड सब चल रहे हैं बोटिंग करने के लिए, देखते किसमें कितना है दम, कौन कितना पेडल कर सकता है, देखते हैं। तो 9 जन के लिए ले लिया बोट, 1000 रुपये का लगा, 20 मिनट का राइड है, मोटर बोट है, तो अब जाते हैं लेते हैं राइड। அவர் நீங்க தான் ஓட்டு போறீங்க ரைட், ஹி இஸ் அவர் போட் டிரைவர் அண்ட் திஸ் இஸ் அவர் போட். बोटिंग हो गया, उतने पैसे में उतना ही मिला, 20 मिनट का राइड मिला, ले लिया और अब हम जा रहे हैं चाय पीने, हम आए हैं चाय पीने। रूम टूर देने का तो रूम अभी जो साफ हो गए, तो एंटर होते ही दिस द एंट्रेंस, एंटर होते ही दिस द टॉयलेट, यहाँ बॉम्ब फोड़ने के लिए जगह है एंड दैट्स द बेरिंग एरिया, और अंदर घुसते ही यू हैव गॉट लगेज रखने के लिए जगह, यू गॉट अ बिग मिरर ओवर हियर एंड दैट्स द बेड, और ये रहा यहाँ पर एक टीवी लगा हुआ है, छोटा सा रूम है बट वेरी कोजी एंड कंफर्टेबल, दिस वन मोर वेरी बिग मिरर ओवर हियर एंड आपको सभी को जैसे मैं व्यू बताया ही था, इट्स अ गुड व्यू फ्रॉम हियर, व्यू तो क्या बहुत ज़्यादा बड़ा व्यू कुछ नहीं है बट ग्रीनरी है। बज गए 5:30 है, वी आर एक्चुअली वेरी टायर्ड, सवेर से निकले हुए बाहर थक गए हैं, अब प्रॉब्ली विल हैव डिनर एंड विल कॉल इट अ डे, तो अभी थोड़ा आराम करेंगे। तो चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट करिए एंड यस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो वेयर अ सीट बेल्ट स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।